हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास अपने चैनल पर सुबह 7 बजे रेगुलर रहती है दोस्तों। तो इससे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें। आज अपने बात करते हैं दोस्तों 18 मई 2020 के करंट अफेयर्स की। नोट्स क्लीन डिवाइस, उनसे दोस्तों नोट्स क्लीन डिवाइस किसने लॉन्च किया दोस्तों? DRDO ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? DRDO ने। DRDO लाइफ रिसर्च सेंटर है दोस्तों, रिसर्च सेंटर इमारत तो कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। एक ऐसी नोट्स क्लीन डिवाइस, यानी कि इसके अंदर मोबाइल और नोट जितने भी करेंसी है, किताब लैपटॉप, इसके अंदर उसको मशीन के अंदर डालकर उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये तो इसका नाम रखा है नोट्स क्लीन। इस डिवाइस का क्या नाम है दोस्तों? नोट्स क्लीन। तो किसने विकसित की है? DRDO। और DRDO की कौन सी लैब ने की है? रिसर्च सेंटर इमारत, जो कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया है? कौन सा विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 17 मई को। कब मनाया गया है दोस्तों? 17 मई को। हर वर्ष कितने मई को मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को। कौन सा दिवस? विश्व दूर संचार दिवस। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सिंगयून, कौन सा सिंगयून 201 व 202 नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? कौन सा उपग्रह? सिंगयून 201 व 202 किसने लॉन्च किया है दोस्तों? चीन। चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों? बीजिंग। कौन सी है दोस्तों? बीजिंग। और चीन का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। और यहाँ की मुद्रा या करेंसी की बात करें दोस्तों, तो क्या है? चीन की रेनमिनबी। क्या है दोस्तों? रेनमिनबी। सिंगयून 201-202 नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने लागू की है? कौन सी? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में लागू की है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर। किस स्थान पर लागू की है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल या राजधानी पूछे कहां पर है दोस्तों? रायपुर। कहां पर है? रायपुर। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। यहां के गवर्नर की बात करें, गवर्नर या राज्यपाल, तो छत्तीसगढ़ का गवर्नर का राज्यपाल कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके। कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके। कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके। सुंट्रम वेंटेगो उपकरण किसने विकसित किया है? कौन सा दोस्तों? सुंट्रम वेंटेगो उपकरण किसने विकसित किया है दोस्तों? IIT मद्रास। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? IIT मद्रास ने। याद रहेगा दोस्तों, सुंट्रम वेंटेगो उपकरण किसने विकसित किया है दोस्तों? IIT मद्रास ने। याद रहेगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मिशन ग्रेड एयर। मिशन ग्रेड एयर किस राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों? मिशन ग्रेड एयर किस राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों? केरल में। ये मिशन ग्रेड है क्या दोस्तों? कि जितने भी घर में बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, इसके लिए केरल के अंदर एक कौन सा मिशन चालू किया दोस्तों? मिशन ग्रेड एयर, जो कहां पर शुरू किया दोस्तों? केरल के अंदर। और केरल की कैपिटल क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। कहां पर है दोस्तों?
तिरुवनंतपुरम। केरल का सीएम कौन है दोस्तों? पिनारई विजयन। मिशन ग्रेट केयर कहां पर शुरू हुआ? केरल के अंदर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन? पिनारई विजयन। कौन है दोस्तों? पिनारई विजयन। कौन है? पिनारई विजयन। और यहाँ के गवर्नर, गवर्नर कौन है दोस्तों? केरल के गवर्नर कौन है दोस्तों? बोलो भी साथ साथ में, बोलो भी नहीं तो याद नहीं होगा दोस्तों। कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में जुबेर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए? कौन नियुक्त हुआ है दोस्तों? जुबेर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जिसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? श्रीनगर के अंदर। तो कहां पर है जिसका मुख्यालय? श्रीनगर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? जुबेर इकबाल। याद रहेगा। हाल ही में जारी लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह कुपोषण है? हाल ही में जारी लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु होती है? कितने प्रतिशत? 68%। याद रहेगा दोस्तों, 68% बच्चों की मृत्यु भारत में कुपोषण की वजह से होती है। किसने जारी किया दोस्तों? लैसेट ने। याद रहेगा। वायरस। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? किसने किया है दोस्तों? एसोचैम ने। किसने किया है? एसोचैम ने। भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किसने किया दोस्तों? एसोचैम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है, यह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? साइकिलिंग से। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? साइकिलिंग से। ये कहां के खिलाड़ी है दोस्तों? फ्रांस के। कहां के खिलाड़ी है? फ्रांस के। इस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है, यह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? साइकिलिंग से। और साइकिलिंग की किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के। याद रहेगा दोस्तों। ये थे हमारे 8 मई 2020 के करंट अफेयर्स दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।